हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 14 जून से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं या तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1658 ईस्वी में आज ही के दिन ड्यून्स के युद्ध में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना ने स्पेन को हराया था। सन 1777 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिकी कांग्रेस ने एक बैठक में देश के लिए 13 लाल और सफेद धारियों वाले नए झंडे का स्वरूप निर्धारित किया था। इस दिन को 1885 से अमेरिका में झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राज्य के प्रतीक के तौर पर झंडे की नीली सतह पर 13 सफेद तारे अंकित थे, जिनकी संख्या में बाद में अमेरिकी संघ में नए राज्य जुड़ने के साथ बदलती रही थी। सन 1907 ईस्वी में आज के दिन नॉर्वे में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला था। सन 1920 ईस्वी में आज के दिन प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक एवं इतिहासकार मैक्स वेबर का निधन हुआ था। सन 1922 ईस्वी में आज ही के दिन फिल्म मुगले आजम के निर्देशक के आसिफ का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। सन 1928 ईस्वी में आज ही के दिन अर्जेंटीना के क्रांतिकारी नेता चे गुवेरा का जन्म हुआ था। उन्होंने क्यूबा में 1959 में हुए तख्ता पलट में अहम योगदान दिया था। सन 1940 ईस्वी में आज ही के दिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन तानाशाह हिटलर के नेतृत्व में पश्चिमी यूरोप पर तकरीबन एक महीने तक हवाई हमले करने के बाद जर्मन सेना फ्रांस की राजधानी पेरिस में घुसी थी। सन 1945 ईस्वी में आज ही के दिन वायसराय लॉर्ड वावेल ने भारत के शीर्ष राजनीतिक नेताओं से मिलने की इच्छा जाहिर की थी और इस दौरान जो नेता जेलों में बंद थे उन्हें रिहा कर दिया गया था। सन 1968 ईस्वी में आज ही के दिन महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के संस्थापक और अध्यक्ष राज ठाकरे का जन्म हुआ था। सन 1969 ईस्वी में आज ही के दिन जर्मनी के टेनिस स्टार स्टेफी ग्राफ का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने करियर में 22 ग्रैंड स्लैम जीते थे। सन 2010 ईस्वी में आज ही के दिन काल्पनिक और गैर कथा के भारतीय लेखक मनोहर मालगोनकर का निधन हुआ था। सन 2011 ईस्वी में आज ही के दिन रुद्र वीणा वादक असद अली खां का निधन हुआ था। उनका संबंध जयपुर के बीनकर घराने से था। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन कैथी लाइडर्स को मानव अन्वेषण और संचालन HEO मिशन निदेशालय के नए सहयोगी प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही वह नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी थी। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन भारत को PM नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में अपनी पहली संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला प्राप्त हुई थी। सन 2021 ईस्वी में आज ही के दिन डी गुकेश ने सनसनीखेज तरीके से $15,000 का गर्लफ्रेंड चैलेंज शतरंज खिताब जीता था और इसी के साथ कुलीन मेल्ट बाटर्स चैंपियंस शतरंज टूर के लिए एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी जीती थी। सन 2021 ईस्वी में आज ही के दिन चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को 114 देशों में 14वें स्थान पर रखा गया था। सन 2021 ईस्वी में आज के दिन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ ने जीवन वायु नामक एक उपकरण विकसित किया था, जिसका उपयोग निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव मशीन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। जीवन वायु 60 लीटर प्रति मिनट तक उच्च प्रवाह ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। सन 2021 ईस्वी में आज ही के दिन तेलंगाना सरकार ने नैसकॉम द्वारा संचालित तेलंगाना AI मिशन TAIM लॉन्च किया था और TAIM के हिस्से के रूप में AI स्टार्टअप को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए रेव ऐप नामक एक त्वरक कार्यक्रम शुरू किया गया था। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आदान के लिए सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में स्वैच्छिक अवैतनिक रक्तदाताओं के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में वैश्विक जागरूकता भी बढ़ाना है। तो ये थी आज से संबंधी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।